एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल होम कुक सीक्रेट्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंडियन स्ट्रीट फूड स्पेशल रेसिपी वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काठी कबाब रुमाली रोटी की सब्ज़ी किस तरह से बनाई जाती है। काठी कबाब सभी को खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन ये सबको उतना बेटर और परफेक्शन के साथ में बनाना नहीं आता है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन दबाना ना भूलें। बेल का आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेल नहीं दबाएंगे तो आपको हमारी वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट जो इसमें रहेगा वो है पनीर, सोयाबीन के चंक्स और सोयाबीन के ग्रैनुअल्स। यहाँ हमने अंदाजन 200 ग्राम पनीर लिया है और ये हमने 10 से 12 सोयाबीन चंक्स लिए हैं। सोयाबीन की बड़ी जो मोटे आकार वाली आती है इसे हमने लेना है। हाफ कप हमने सोयाबीन के ग्रैनुअल्स लिए हैं, चूरा मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। सब्जियाँ हम अपनी पसंद की कोई भी ले सकते हैं। प्याज को हमने पेटल्स में काट लिया है, 4 भाग करके प्याज के इस तरह से छिलके अलग कर लेने हैं। इसी प्रकार से शिमला मिर्च के भी हमने क्यूब्स कट कर लिए हैं और शिमला मिर्च के बीज भी अलग कर देंगे। साथ में हमने मशरूम लिए हैं, यहाँ हमने 3 मशरूम लिए हैं। आप मशरूम खाना पसंद ना करते हो तो आप इसमें बेबी कॉर्न को भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमने यह हाफ कप कॉर्नफ्लोर लिया है, अरारोट, जिससे कि हमारी मैरिनेशन अच्छी बने। और फिर हमने बारीक कटा हुआ एक बड़े साइज का प्याज ले लिया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक टमाटर जिसका गूदा अलग करके हमने इसकी पीलिंग को यूज करना है, ये अपने टूथपिक में लगा के स्क्रू करने के लिए। फिर हमने लिया है 1 कप बेसन, 3 से 4 मीडियम आकार के टमाटर को हमने मिक्सी में ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। फिर हम लेंगे 1 कप दही, जिसमें से हम थोड़ा अपनी ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे, बॉईल करे हुए हरे मटर, और साथ में हम मसालों में लेंगे नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, यहाँ हमने लिया है अदरक का पेस्ट, खड़े मसाले में हमने लिए है 2 लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, बारीक कटी हुई लहसुन, 2 से 3 हरी मिर्ची लंबे आकार में कटी हुई, मक्खन सब्जी में ऊपर से डालने के लिए, सूखा धनिया पाउडर 2 से 3 चम्मच, छोटे चम्मच टीस्पून, ये हम लेंगे 1 पिंच जितना सोडा अपने पेस्ट में बैटर में मिलाने के लिए। और स्क्यूअर्स, आप इस तरीके के जो पनीर टिक्का स्क्यूअर्स मार्केट में मिलते हैं इन्हें कट करके छोटा बना सकते हैं, और ये ना हो तो आप इसमें टूथपिक का भी यूज़ करके इसकी स्टिक्स को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हमने सब्जी को फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल लिया है, साथ ही एक्स्ट्रा रिफाइंड ऑयल हमने फ्राइंग के लिए भी यूज़ किया है। और ये हमने लिया है चाट मसाला, हम यूज़ करेंगे गरम मसाला, किचन किंग और देकी मिर्च पाउडर। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी भरेंगे और उसके बाद ये सोयाबीन की बड़ी को डाल देंगे, साथ ही में हम चूरा भी मिला देंगे, और इन दोनों चीज़ों को मिला के हम 7 से 8 मिनट के लिए तेज आँच पर बॉयल कर लेंगे। ये देखिए, ये अब हमारा सोयाबीन बिल्कुल बॉईल हो चुका है। हम इसमें नॉर्मल पानी को ऐड करके इसको ठंडा कर लेंगे और इसमें से मोटी वाली बड़ियों को अलग कर लेंगे। इसको पहले हम नॉर्मल होने देंगे। ये देखिए, ये बड़ियों का हमने पानी अच्छे से निचोड़ लिया है, इसे हमने हल्के हाथ से स्क्वीज कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने पनीर के छोटे और मीडियम आकार के दोनों तरीके के क्यूब्स काट लिए हैं, और अब हम इन्हें स्क्रू करके अपनी स्टिक्स को तैयार करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एक वेजिटेबल को लगा लेंगे पीछे, फिर हम लगाएंगे एक टोमेटो, और उसके बाद एक सोयाबीन की बड़ी। आप जैसे भी चाहें, जैसे भी आपको पसंद आता है उस प्रकार से आप अपने स्टिक्स को बना के तैयार कर सकते हैं। फिर हमने लगाया एक पनीर, अब हम लगा रहे हैं इसमें एक शिमला मिर्ची का पीस, और फिर हम लगाएंगे एक और सोयाबीन, और अब हम लगाएंगे इसमें एक अनियन। आप चाहें तो छोटी स्टिक्स भी बना सकते हैं और चाहें तो बड़ी स्टिक्स बना के एक में 2 पनीर को डाल के भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये स्टिक तैयार हो गई है, और इसी तरह से हम सभी स्टिक्स को तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सभी स्टिक्स जो हैं बहुत अच्छे से बनके तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन्हें डीप फ्राई करने के लिए इनका घोल तैयार करेंगे, और एक तरफ हम पैन में कढ़ाई में तेल को गर्म करने के लिए रखेंगे। इस पेस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े बर्तन के अंदर सारा कॉर्नफ्लावर डालेंगे। कॉर्नफ्लावर डालने से ये बहुत ही पनीर और सोयाबीन की बड़ी को क्रिस्पीनेस मिलेगी। साथ ही में हम डालेंगे हमारा 1 कप जितना बेसन। अब हम इसमें डालेंगे सभी मसाले। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें, पहले हम कमी डालेंगे क्योंकि हमें ग्रेवी में भी नमक को ऐड करना है। यहाँ हमने 1/2 टीस्पून जितना नमक लिया है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, यहाँ हमने लिया है 1/4 टीस्पून जितना सूखा धनिया पाउडर, और अब इसमें आप अपने ऑप्शनल है चाट मसाला डालना चाहें तो डाल सकते हैं।
ये हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून जितना चाट मसाला। आपकी स्टिक में अगर बहुत अच्छा मसाला कोट होके बनेगा तो आपकी ये सब्जी बहुत ही बढ़िया बनेगी। और इसमें हम डाल रहे हैं हाफ टी स्पून से कम देगी मिर्ची पाउडर। और अब हम इसमें पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी हम एकदम नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इसमें गाढ़ा घोल चाहिए। काफ़ी पतला घोल बनाएंगे तो ये कोटिंग आपकी अच्छी नहीं आएगी। ये हमने दो छोटी करछी जितना पानी ऐड कर लिया है और सभी लम्स को हम निकालने के लिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारे बैटर में लम्स नहीं है और अब हम इसमें थोड़ा पानी और डाल देंगे। लगभग इसमें हमने इस साइज़ की 4 से 5 करछी पानी डाला है और इसे एक मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर बनाएंगे। कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है और डीप फ्राई करने से बिल्कुल एकदम पहले ही हम अपना सोडा इसमें मिलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल एकदम रेडी है और अब हम हमारे पेस्ट के अंदर मामूली सा बेकिंग सोडा डालेंगे। ये हमने बस एक पिंच जितना ही इस्तेमाल करना है, ज़्यादा सोडा नहीं डालेंगे। एक पिंच में बिल्कुल हल्का सा और मैंने डाला है और अब हम इसमें अपने स्टिक्स को डाल के कोट करेंगे और डीप फ्राई करेंगे। एक बार में दो दो स्टिक्स ही लेंगे जिससे कि हमारी स्टिक्स में से पनीर या और कोई वेजिटेबल टूट ना जाए। हल्के हाथ से इसे लेंगे और फ्राई करेंगे। एक्सेस बैटर को झाड़ते हुए ही इसे ऑयल में डालेंगे। और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा तेज आंच पर इसे बिल्कुल नहीं तलना है दोस्तों, क्योंकि ये ज़्यादा तेज आंच पर ऊपर से लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह सकता है। और अगर आप अपने स्टिक के ऊपर पतली कोटिंग चाहते हैं तो इसमें मामूली सा पानी और मिला दें, जिससे कि अगर आपको पतली ट्रांसपेरेंट कोटिंग पसंद है तो इसको थोड़ा पतला कर देने से आपको ट्रांसपेरेंट कोटिंग वाली स्टिक्स भी मिल जाएंगी। इस तरह से इसे फटाफट से लपेटेंगे, ज़्यादा देर डीप कोट नहीं करेंगे और तुरंत हम इसको ऑयल में डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए सभी हमारी स्टिक्स फ्राई हो चुकी हैं और मैं प्रेफर आपको करूँगी कि आप पतले घोल वाली कोटिंग तैयार करें। ये पतले घोल वाली कोटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही दिखने में अच्छी लग रही है। और मोटे घोल वाली कोटिंग जो है ये फुल कवर्ड इस तरह से होगी। तो अब हम इन्हें एक टॉवल पेपर पे या किचन नैपकिन पे निकाल के अलग करेंगे और ग्रेवी को बनाना शुरू करेंगे। सब्जी को बनाने के लिए एक कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें एक करछी बड़ी करछी तेल की डालेंगे। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसमें ग्रेवी जो है ये बहुत ही चटपटी और करारी होनी चाहिए। और सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में जीरा बताना भूल गई, इसमें हमें जीरा भी यूज़ करना है, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 2 साबुत लाल मिर्च, 1 तेज़पत्ता, 1/2 टीस्पून जितना जीरा। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक का पेस्ट, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज के साथ ही डालेंगे हम 2 छोटे पीस शिमला मिर्च के बारीक काट के, 2 से 3 हरी मिर्चें। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए मटर 1 चम्मच, साथ ही में हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ मशरूम, हमने 1 से 2 मशरूम के फाइन चॉप पीसेस कर लेने हैं। इसी के साथ हम डालेंगे स्क्वीज किया हुआ सोया ग्रैनुल्स, अच्छे से इसे भूनेंगे। अब ऐड करेंगे हमारा ग्राइंड किया हुआ टोमेटो पेस्ट और इसमें अब हम सभी मसाले ढक के पकाएंगे। मसाले डाल के ढकने से ये बहुत ही सोयाबीन के जो चंक्स हैं बहुत अच्छे पक जाएंगे। यहाँ हमने 1 छोटा चम्मच नमक डाला है, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। यहाँ हमने 1 टीस्पून जितना मिर्च डाला है, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर,
टीस्पून जितना देगी मिर्च पाउडर। अब हम डालेंगे इसमें किचन किंग, 2 चम्मच हमने इसमें किचन किंग डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, ये भी हमने 1/2 टीस्पून जितना ऐड किया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस ग्रेवी को और रिच बनाने के लिए हम इसमें 2 चम्मच जितना दही ऐड करेंगे। और हल्की आंच पे इसे तब तक चलाते रहेंगे जब तक सब्जी में एक बॉईल ना आ जाए। ये बॉईल आ चुका है और अब हम इसमें 1/2 छोटी कटोरी जितना पानी डालकर इसे 7 से 8 मिनट तक के लिए पकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 7-8 मिनट हो चुके हैं और हमारी ग्रेवी जो है ये पक चुकी है। हम इसे एक पाव भाजी मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर देंगे, जिससे कि ये मटर और मशरूम इसमें बहुत अच्छे से मैश हो जाए। और इसके बाद में हम इसमें अपनी स्टिक्स को ऐड करेंगे। अब हम इसमें ये बचे हुए पनीर के पीसेस भी ऐड कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें अगर आपके पास बच जाए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और एक एक करके हम इन सभी स्टिक्स को इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और हल्की आंच पर इन स्टिक्स को इसी में पकने देंगे। जैसे आप इसे तवे पे मार्केट में देखते होंगे अक्सर, आप इसको तवे पे भी कर सकते हैं और कढ़ाई पे भी इसको सिम गैस में छोड़ सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनके तैयार है। अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी वाली खाना चाहें तो इसमें 1/2 कटोरी गर्म पानी मिला सकते हैं। ये हमने धनिया पत्ती से इसको गार्निश कर लिया है और ऊपर से हम इसे सर्विंग के टाइम थोड़ा सा बटर डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही लजीज काठी कबाब बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल या स्ट्रीट फूड स्टाइल बनी है। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करें और ग्रेवी को पतला या गाढ़ा अपने अनुसार रखें। अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक और नई अच्छी रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एट होम कुक सीक्रेट्स।